ओके स्टूडेंट्स, तो एक लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बस एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट। बिल्कुल, एक चार्ज लिया प्लस क्यू सोर्स चार्ज, इसके यहाँ बैठते ही आसपास क्या बन गई, इसकी फील्ड बन गई। इस फील्ड में अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, यहाँ पर कोई एक और पॉइंट ले लिया पॉइंट पी, मर्जी है आपकी, ठीक है। अगर चार्ज क्यू नॉट को फील्ड के बाहर से इन्फिनिटी, बाहर को इन्फिनिटी है ना, बाहर से लाके ए पर बिठा रहे हैं, तो जो वर्क कर रहे हैं वो बन जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर चार्ज को इन्फिनिटी से बाहर से लाके, कौन से चार्ज को, फिर से टेस्ट चार्ज की बात करें बार बार, बी पॉइंट पर बिठा रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं वो बन जाएगा बी का पोटेंशियल। अगर उसी चार्ज को पॉइंट पी पर लाके बिठा रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को बाहर से इन्फिनिटी से, सारी जगह तीनों की जगह इन्फिनिटी से, तो बन जाएगा पी का पोटेंशियल। यानी बाहर से इन्फिनिटी से लाके जब चार्ज को फील्ड के अंदर बिठाते हैं तो मिलता है पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर फील्ड के अंदर ए से बी मूव कर रहे हैं, अंदर, अब बाहर का काम खत्म हो गया, फील्ड के अंदर ही अगर आप एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करते हो, तो बनेगा पोटेंशियल का डिफरेंस बी टू ए, जिसका आंसर आएगा फाइनल ए माइनस इनिशियल बी, और ये इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। मान लो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस किया आपने, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किया, 10 माइनस 8, ठीक है। फील्ड के अंदर बी से पी लेके जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस पी बी, पी से ए लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पी ए, अगर पी से ए लेके जा रहे हो, समझ आ रही है मेरी बात। तो अंदर अगर चार्ज को शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। लेकिन अगर बाहर से लाके चार्ज को फील्ड के अंदर बिठा दे रहे हो, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही बन गए तुम्हारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। आई होप इट इज क्लियर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोबारा देखो, वर्क डन है ना, कहाँ से, इन्फिनिटी से पी पर, तो वर्क डन कहाँ से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी से पी पर, किसको ला रहे हो, टेस्ट चार्ज को। लेकिन हमें तो पता है वर्क डन होता है एफ डॉट आर, फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन के बदले आप यहाँ लिख सकते हो एफ डॉट आर, ठीक है ना। और ये या तो एफ के नीचे लगा दो या आर के नीचे लगा दो, एक ही बात है, तो मैं इसको एफ के साथ लगाऊंगी क्यू नॉट को, और एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, एक डेफिनेशन याद आती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एफ आई की होती थी, तो एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट बन जाएगा ई ई डॉट आर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज होता है, वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक वेक्टर ई, दूसरा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या होता है, स्केलर, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को दूसरा नाम, वेरी गुड, क्या बुलाते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, शाबाश। सो इसलिए भी पोटेंशियल क्लियर प्रूव हो गया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉट प्रोडक्ट है ऑफ ई एफ आई एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, ठीक है।